तो गाइज आज की वीडियो में मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे लड़के की स्टोरी जो कि बिजनेसमैन बनने के चक्कर में अपने घर को ही रेड लाइट एरिया बना देता है। अब आगे चल के वो लड़का इस मूवी में क्या भसड़ मचाता है यही देखने के लिए एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग नए आए हो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन रुको आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग जोएल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा था और उसके एक खड़ा बाल था, पर वो अपने घर नहीं जाता और अपने पड़ोस शहर चला जाता है। वहाँ पर वो घूम रहा होता है घर में, देख रहा होता है कि कौन कौन है। अभी वहाँ पर उसे आवाज़ आती है कुछ किसी के नहाने की, तो वहाँ पर बाथरूम में चला जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की नहाते हुए दिखती है। अब यहाँ पर उसकी जो हवस थी वो जाग जाती है उसे देख कर, और वो चाहता था कि वो किसी तरह उस लड़की के साथ इंटीमेट हो। अभी वो लड़की उससे कह देती है कि क्या तुम मेरी कमर को खुजाओगे, तो वो लड़का भी कह देता है बिना किसी रुके कि हाँ मैं तुम्हारी कमर को खुजाऊंगा। तभी उसके अरमान जो है वो टाइट हो जाते हैं और वो उसके पास जाता है कमर खुजाने के लिए। तभी हम देखते हैं एकदम से उस लड़की की जो आँखें हैं वो खुलती हैं, वो सपना देख रहा था और वो सोया हुआ था। अब जैसे ही सपने से उठता है उसका जो नाइट फॉल था वो हो गया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और उन्हें बड़ी बड़ी बातें बता रहा होता है, झूठ बोल रहा होता है वो उनके आगे। तभी वहाँ के जो दोस्त होते हैं उसके वो उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तब यहाँ पर जो जोएल होता है वो नाराज़ हो जाता है, अपने एक दोस्त के साथ बाहर आ जाता है। वहाँ पर वो अपने दोस्त को बताता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो एक महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। तब यहाँ पर उसका दोस्त उसे एक एडवाइस देता है कि तुम यहाँ पर इस गोल्डन मौके का अपॉर्चुनिटी उठाओ और अपने घर में एक बिजनेस करो, नई नई लड़कियाँ लाओ और उनके साथ इंटीमेट हो। अभी हम अगले सीन में देखते हैं जोएल के पेरेंट्स को जो कि बाहर जा रहे थे। यहाँ में पता पड़ता है जोएल के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो जोएल को मना करते थे उनकी चीज़ों को छेड़ने में। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि जोएल के पेरेंट्स जो हैं वो एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, वो जोएल से दूर चले जाता है, तो जोएल अपने घर में आकर उन्हीं के ही उस होम थिएटर को चला के तेज गाने बजा के नंगा नाच करता है। अब हम देखते हैं जोएल का एक दोस्त आया हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। यहाँ पर हम देखते हैं उसे पता पड़ चुका था कि जोएल के पेरेंट्स घर पर नहीं है, तो वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए जोएल के घर का यूज़ कर रहा था। हम जोएल को देखते हैं जो कि पढ़ रहा होता है, पर उसे आवाज़ें परेशान कर रही थी गपा गप की, तो वो अपने डैड की लग्जरी कार लेकर अपने दोस्त के साथ बाहर निकल जाता है। अब अगले दिन हम लोग जोएल को देखते हैं उसके फ्रेंड के साथ, ये लोग पार्क में चिल कर रहे थे। वो यहाँ पर जोएल के घर की सफाई कर रहे थे मैं बताऊँ तो। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जोएल का दोस्त होता है वो यहाँ पर जोएल के लिए एक लड़की बुक कर देता है, क्योंकि जोएल का जो खाता था वो अभी तक नहीं खुला था, वो अभी तक पेंडिंग था। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही रात का सीन होता है, रात के 10 बज रहे होते हैं। अब यहाँ पर जोएल के डोर पर एक बैल बजती है। अब जोएल को लगता है कि भाई अब तो आ गई शामत, क्योंकि जोएल ने पहले कभी ये सब करा नहीं था। अब वो जैसे ही गेट को खोलता है वहाँ पर एक हफ्सी खड़ा होता है, एक लड़की की जगह वहाँ पर एक हफ्सी खड़ा होता है, जिसे देखकर जोएल डर जाता है। और मैं कहने वाला हूँ भाई आप लोग भी इसे देखकर डर जाओगे, इसकी शक्ल कितनी गंदी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जोएल अपनी फ्रेंड को कॉल लगाता है, पर वो उस कॉल को पिक नहीं करता है, पर उसे पता था कि जोएल का ही कॉल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हफ्सी यहाँ पर आता है, अंदर आता है। अब यहाँ पर वो जोएल से कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे साथ नहीं करोगे, पर मैं अपना सर्विस चार्ज लूँगी। अब यहाँ पर जोएल के पेरेंट्स जो पैसे जोएल को देकर गए थे उसके खर्च के लिए, जोएल उसे दे देता है। अब हम देखते हैं जोएल कुछ न्यूज़पेपर में से एक लड़की का नंबर निकालता है जो कि कॉल गर्ल थी, और उसे कॉल करके अपने घर पे बुलाता है। अब यहाँ पर उसे देखते ही जोएल के जो अरमान थे वो टाइट हो जाते हैं, यहाँ पर वो उसकी ठरक जाग जाते हैं और उस लड़की के साथ पूरी रात भर गपागप करता है। अब हम देखते हैं अगले दिन जोएल को कहीं पर जाना था, तो वो लड़की जोएल से कहते हैं मैं तुम्हारे घर पर रहकर तुम्हारे घर को देखूंगी कहीं ताकि कोई बाहर का नहीं हो जाए और तुम बेफिक्र होकर स्कूल जाओ। हम देखते हैं जैसे ही जोएल घर पे आता है वो देखता है कि यहाँ पर वो लड़की जिसका नाम लाना था वो यहाँ पर नहीं है, और वो जोएल की मॉम का एक कीमती डिनर सेट भी लेकर चली गई है। जोएल अपने फ्रेंड को ये सारी बातें बताता है। तभी हम लोग देखते हैं ये लोग एक पार्टी में आए हुए थे, जिस पार्टी में यहाँ पर उसे लाना भी मिलती है, वही रात वाली लड़की। अब यहाँ पर देखते हैं लाना उसके पीछे भागती भागती हुई आती है और कहती है कि मेरा मैनेजर मेरे पीछे पड़ा है और तुम्हें मुझे बचाना होगा। लाना यहाँ पर जोएल के साथ उसकी कार में बैठ जाती है, यानी कि जोएल के डैड की कार में। वो मैनेजर उसके पीछे आता है, पर जोएल यहाँ पर उससे कहता है कि अगर तुम जब मेरी मॉम का मुझे सेट डिनर सेट लौटा के दोगी तभी मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें लौटा दूंगी, तो जोएल उसे बचाने के लिए भाग जाता है, पर पीछे पीछे उस लड़की का मैनेजर भी आ जाता है। यहाँ पर जो जोएल होता है वो इतनी तेज कार भगाता है कि फाइनली वो लोग उस मैनेजर से छुप जाते हैं और बच जाते हैं। लाना यहाँ पर जोएल से कहते हैं कि क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पर रुक सकती हूँ। तो यहाँ पर जोएल जो था उसकी ठरक जाग चुकी थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठरकी था। वो उससे कहता है कि हाँ तुम आज रात को मेरे घर पे रुक सकती हो। अब जोएल के तो मन में लड्डू फूटने लगा था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लोग रात को जोएल के घर पे स्टे करते हैं। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जोएल को फिर से स्कूल जाना था, तो लाना उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर का यहाँ पर रक्षा करूँगी, यानी कि सिक्योरिटी करूँगी एक तरह से, मैं तुम्हारे घर की और तुम बेफिक्र होकर स्कूल जाओ।
अब क्योंकि यहाँ पर जोएल का एग्ज़ाम था तो वो स्कूल चला जाता है। अब एग्ज़ाम देने के बाद जैसे ही जोएल घर पे आता है वो अपने एक फ्रेंड को देखता है उसके घर से बाहर निकलते हुए। और हाँ, हम लोगों का शक सही है क्योंकि लाना एक कॉल गर्ल थी और उसने अपने कस्टमर्स को बुलाया हुआ था कुछ पैसे कमाने के लिए, वो भी जोएल के घर पर। अब यहाँ पर किसी तरह से लाना बाहर आती है और वो देखता है, यानी कि जोएल देखता है कि लाना ने अपने एक फ्रेंड को भी बुला रखा और ये यहाँ से एक तरह का धंधा कर रही है। अब ये देखते हुए जोएल तो नाराज़ हो जाता है और लाना को वो अपने घर से निकाल देता है। तभी वहाँ पर लाना का मैनेजर उसे पकड़ लेता है, पर लाना बच के फिर से जोएल के घर में घुस जाती है। यहाँ पर लाना का जो मैनेजर है वो जोएल से झगड़ा करने की कोशिश करता है, पर जोएल किसी तरह से उसे रोक लेता है और यहाँ पर मैनेजर जोएल को धमकी देकर चला जाता है। हम लोग यहाँ पर लाना को देखते हैं जो कि जोएल के घर में डिनर कर रही थी। वो जोएल से कहती है कि क्यों ना हम एक बिजनेस को स्टार्ट करें, और बिजनेस ये रहेगा कि कॉल गर्ल का, यानी कि धंधे का काम, जो काम रेड लाइट पे होता है वही हम तुम्हारे घर पे करेंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे। अब ये लोग रात को ड्राइव करने के लिए चले जाते हैं एक माउंटेन की तरफ। ये लोग वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर लाना जोएल से कहते हैं कि तुम्हारे भी बहुत सारे रिच फ्रेंड हैं और मेरे भी बहुत सारे रिच फ्रेंड हैं, क्यों ना हमें ये बिजनेस करना चाहिए और हमारा जो बिजनेस होगा वो 100% गारंटीड सफल होगा। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं जोएल को लाना की बात सही लगने लगी थी, क्योंकि अब उसके पेरेंट्स भी 1-1.5 महीने के लिए बाहर गए हुए थे और ये उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। हम लोग अब देखते हैं जोएल की जो कार थी वो एक स्लोप पे खड़ी थी और नीचे गिरने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे वो कार थी जोएल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो कार उसे नहीं रुकती और वो कार फाइनली पानी में गिर जाती है। अब क्योंकि वो जोएल के डैड की लग्जरी कार थी, जोएल के डैड उसे बहुत ज़्यादा मारते, तो जोएल उसे ठीक करवाने के लिए गैराज में लेकर जाता है। पर वो एक लग्जरी कार थी तो उसकी जो फीस थी, यानी कि उसे रिपेयरिंग की जो फीस थी, वो बहुत ज़्यादा थी और जोएल के पास इतने पैसे नहीं थे। तो जोएल फिर से लाना के पास आता है और उसे हाँ कर देता है कि अब हम काम करें। अब दिन बीतते जाते हैं, जोएल के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, वो एक बिजनेसमैन बन जाता है। अब वो इंटरव्यूज देने के लिए भी जाने लगता है। हम लोग देखते हैं कि जोएल का जो घर था वो स्ट्रिपर्स से भरा हुआ था। अब हम देखते हैं जोएल के पास एक आदमी आता है उसकी एक कंपनी से इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि जोएल ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो वो आदमी इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पे जैसे ही पहुंचता है वो देखता है कि यहाँ का तो भाई माहौल कुछ और ही है, कहीं मैं किसी रेड लाइट एरिया में तो नहीं आ गया, क्योंकि भाई साहब जोएल ने बिल्कुल अपने घर पे GB रोड बना रखा था। अब हम उस इंटरव्यूअर को देखते हैं जो कि जोएल को पास कर देता है। उस वो उससे पूछता है कि आगे तुम क्या करना चाहते हो, तो जोएल भी बड़े एटीट्यूड में आंसर देता है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि जो इंटरव्यूअर था उसके भी जो अरमान थे वो टाइट हो जाते हैं और वो भी एक दो शॉट लगा के वहाँ से चला जाता है। शॉट का मतलब तो समझ गए ना आप, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जोएल को जो कि लाना के साथ था, अब उसकी भी ठरक जागने लगी थी क्योंकि उन्होंने घपा घप करे बहुत दिन हो गए थे, क्योंकि वो लोग अब बिजनेस में बिजी थे। अब ये लोग कुछ एक्सट्रीम करना चाहते थे और एक्सट्रीम करने के लिए एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं, वो वहाँ पर घपा घप करने वाले थे। अब जैसे ही वहाँ पर ट्रेन खाली होने लगती है ये लोग एक दूसरे को रोक नहीं पाते और धक्का पेल घपा घप करते हैं। अब हम देखते हैं जोएल को जो अपने डैड की जो लग्जरी कार थी उसे भी लेकर आ गया था, पर रुको, क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। अब जोएल जैसे ही उस कार को अपने घर लेके पहुंचता है वो देखता है कि उसके घर का सारा सामान था वो कहीं चोरी हो गया है। उसकी फटके 4 नहीं 64 हो गई थी, क्योंकि उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसके पेरेंट्स उसके मार ना दें। अब हम देखते हैं जोएल उस लाना को ही कॉल करता है, पर लाना का मैनेजर उस कॉल को उठाता है। अब हम देखते हैं कि उसी दिन जोएल के पेरेंट्स भी घर पे ही आ रहे थे, तो भाई 64 नहीं उसकी 108 हो गई थी फटके। अब हम देखते हैं कि जोएल मैनेजर से एक डील करता है कि जोएल ने जितने भी पैसे कमाए हैं वो उस मैनेजर को दे दे और वो मैनेजर जोएल के घर का सारा सामान उसके घर पे छोड़ दे। तो जोएल इस डील को फाइनल कर देता है, डन कर देता है। जोएल सारे पैसे उसे दे देता है और मैनेजर भी सारा सामान उसके घर पे छोड़ देता है। जोएल अपने फ्रेंड्स के साथ उस सामान को घर पे लगा देता है। जोएल के पेरेंट्स जैसे ही घर पे पहुंचते हैं वो यहाँ पर देखते हैं कि जोएल की मॉम का एक एंटीक पीस था, उस पर कुछ क्रैक है। उसके ऊपर जोएल के पेरेंट्स उसे डांटने लगते हैं और फाइनली सारी चीज़ अच्छी हो जाती हैं। हम देखते हैं जोएल के पापा वहाँ पर आते हैं और वो उससे कहते हैं कि जो इंटरव्यूअर तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए आया था उसने तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, यानी कि अब तुम जॉब कर सकते हो। जिसे देखकर यहीं पर मूवी ख़त्म होती है। पर लेकिन फाइनल सीन में हम लोग देखते हैं जोएल लाना के साथ था और उसके साथ अपनी फ्यूचर लाइफ डिस्कस करने के लिए एक पार्क में जाता है। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड एक बार थैंक्स बोलना चाहूँगा एंड तक बने रहने के लिए।